मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सारा सारा स्पीडनियल आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और आज मदर्स डे के मौके पर मैं तमाम माओं को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। और मैं तमाम यंगस्टर्स मदर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ। और वो स्पेशल मैसेज ये है, तमाम माओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है वो कलाम के मुताबिक ट्रीट करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपने बच्चे के लिए छड़ी का इस्तेमाल करेगा तो वो मर नहीं जाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सम टाइम बच्चे बात नहीं मानते, सम टाइम कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना, हमने पढ़ना नहीं है, अभी हमने खेलना है। तो फिर क्या होता है, माओं को गुस्सा आता है और वो क्या करती हैं, वो बच्चों को गालियाँ देती हैं। तो खुदा के कलाम जैसा कहता है वैसे ही बच्चों के साथ ट्रीट करें। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो कलाम के मुताबिक अपने बच्चे के लिए आप छड़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप छड़ी का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप खुदा के कलाम के खिलाफ जाकर अपने बच्चे को लान तान बोलें, बुरी बातें बोलें, गालियाँ दें, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप अपने बच्चे को थप्पड़ लगाती हैं और वो स्कूल चला जाता है रो के, तो वो उसके लिए इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि आप उसे गालियां देती हैं, आप लान तान करती हैं। वो उसके लिए आने वाली ज़िंदगी में जो है वो आगे लानत का बायस बनता है। तो अपने बच्चों के लिए बड़ी मोहतात होकर कलाम के मुताबिक अपने बच्चों को ट्रीट करें। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दें। और कलाम में मौजूद जो माएँ हैं उन माओ के किरदारों पर गौर करें। माओ ने कैसे अपने बच्चों को जो है वो ट्रीट किया, कैसे अपने बच्चों की तरबियत की, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, चर्च लेके जाएं, दुआ इबादत करना सिखाएं। और कलाम में मौजूद माओ की जिंदगियों पर गौर करें ताकि हम अपने बच्चों की जिंदगियों में बेहतर तौर पर जो है वो अहम करदार अदा कर सकें, अपने बच्चों के लिए बेहतर तौर पर ज़्यादा लायक तौर पर बाहर से बरकत बन सके। हैप्पी मदर्स डे।